जीवन रेखा को माने जाने वाले अस्पताल खुद बीमार पड़े हैं। इसी कड़ी में भराड़ी सामुदायिक अस्पताल की हालत भी बिगड़ी हुई है। कहने को 30 बेड के ओपीडी से 50 कर दिया गया है, परंतु डॉक्टरों की कमी से सारी व्यवस्था चरमराई हुई है। भराड़ी अस्पताल में डॉक्टरों के 5 पद स्वीकृत हैं, परंतु अभी वर्तमान समय में केवल 2 डॉक्टर ही सेवारत हैं, जिसमें एक का व्यवहार को देखकर मरीज अस्पताल के दरवाजे से ही वापस हो जाते हैं। अगर कोई उनको कुछ बोले तो बोलते हैं कि क्या कर लोगे। मेरा तो ये बात सोचनीय है कि डॉक्टर ऐसा करेगा तो पृथ्वी के इस भगवान पर कौन भरोसा करेगा। जिस अस्पताल के ओपीडी 250 से ज्यादा होती थी, आज उसकी हालत ऐसी है कि पूरे दिन में 70 से 100 के करीब हो रही है। भराड़ी अस्पताल में डॉक्टर के इस व्यवहार से मरीजों ने भराड़ी का रुख बदलना ही उचित समझ रहे हैं। डॉक्टर ड्यूटी का समय 9:30 का है, परंतु वो 10 बजे अस्पताल में पहुंच रहे हैं। मरीजों ने कहा कि हम सुबह से 1 घंटे से बाहर खड़े हैं, परंतु डॉक्टर समय पर अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचते हैं। अगर उन्हें इस विषय पर बोला जाए तो वो उल्टा मरीज को ही डराने का काम शुरू कर देते हैं। आम जनता ने बताया कि 13 से 14 पंचायतों को भराड़ी अस्पताल सुविधा मुहैया करवाने के लिए उपलब्ध है, परंतु ये अस्पताल खुद डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। आम जनता ने कहा कि अगर यही हाल रहता है तो जनता आंदोलन का रास्ता अपनाने से भी पीछे नहीं हटेगी। इस बात पर भराड़ी अस्पताल के SMO देवदत्त शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैं पहले भी इस विषय में डॉक्टरों को हिदायत दे चुका हूं, परंतु उनके कार्य प्रणाली में सुधार नहीं हो रहा है, तो उन्होंने दोबारा उनसे इस बात पर स्पष्टीकरण मांगेंगे और कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर AK सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुझे अस्पताल में डॉक्टरों की कमी चल रही है, इस विषय की पूरी जानकारी है, परंतु अगर भराड़ी अस्पताल में जो डॉक्टर समय से नहीं पहुंच रहे हैं, वो जिनका व्यवहार मरीजों के प्रति सही नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।